कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां दबंग युवकों ने सरेआम युवक का किया अपहरण। अपहरण के बाद दबंग युवकों ने उसकी की पिटाई। पिटाई की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। रंगदारी ना देने पर युवक का किया गया था अपहरण। बताया जा रहा है अपहरण होने वाले युवक का नाम शिवम है। जहां से शिवम का अपहरण किया गया था वहां सीसीटीवी लगी थी, जिसमें पूरी वारदात कैद हो गई। वहीं दबंगों की दबंगाई तो देखिए, उन्होंने शिवम की पिटाई का वीडियो खुद बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डालकर अपनी दहशत कायम करने के लिए उसे वायरल किया। कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में इन दिनों दबंगों का बोलबाला है। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनकी या तो हत्या कर दी जाती या फिर अपहरण कर पिटाई। जिले का ब्योरा थाना तो मानो दबंगों और अपराधियों का गढ़ बन गया है। पहले लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की अपहरण के बाद हत्या कर दी जाती है, उसके दो दिन बाद एक और लड़के की अपहरण के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। पुलिस इस मामले को सुलझा नहीं पाती, तब तक दूसरा मामला उसके लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ जाता है। इस बार इलाके के दबंग रजत और अजय ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर शिवम सोंकर नाम के लड़के का सरेआम अपहरण कर लिया और गाड़ी में उसे बहरहमी से पीटा और जिसकी वीडियो बनवाई गई। अपनी दहशत फैलाने के लिए इस वीडियो को अब यह लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दबंग लोग इसे पीट रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन इन दबंग युवकों पर कार्रवाई करेगी या नहीं। कानपुर से द भारत टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वो मुझे फ़ोन करते हैं, पैसे मांगते हैं, पैसे तो उन्हें तो जान से मार देंगे। कल हम घर के पास अपने अकेले खड़े थे तो आए और हमें वैन में भर के ले गए और हमें मारा बहुत। बोले पैसे दो जल्दी से, नहीं तो मार डालेंगे जान से।